वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? एज आई नो आप लोग सारी मेरे शॉपिंग की वीडियो से तंग आ चुके हैं, जो मैं बाहर घुमा घुमा के थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज कर लूँ। मैंने बस अभी फ्रेशली अपने बाल डाई किए थे और मैं इनको ब्लो ड्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आप बालों को किस तरीके से सेट करती हैं। मैं जो काम करती हूँ वो काम चोरी वाला करती हूँ, बट स्टिल यू गाइस आस्क मी, तो मुझे अंदाजा होता है कि मुझसे गए गुजरे भी काफ़ी लोग हैं। ऑल्दो मैं समझती थी मैं सबसे ज़्यादा गई गुजरी हूँ, बट नो आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक की हद तक। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, काम पे आते हैं। बाल मेरे ड्राई हो जाएंगे, अभी वेट हैं, अभी मेरे फेस पे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ यहाँ से हल्के से डाई नज़र आ रहा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी ही बात किया है। सो व्हाट आई नॉर्मली यूज़ फॉर हेयर, मतलब तीन चार ही चीज़ें हैं वो जो सबके पास होती हैं, ऑफकोर्स हेयर ड्रायर, ठीक है, और मेरे पास ये है रेवलॉन का, आई थिंक ये भी बहुत कॉमन है, घिसा पिटा हर किसी के पास है और हर कोई रखता है। स्ट्रेटनर एक होता है, कर्लर मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, और एक मेरे पास ये भी एमिका का और वो रेवलॉन के, मेरे पास दो दो हो गए हैं, ये भी है। सो लेकिन मैं मूड के हिसाब से यूज़ करती हूँ, ज़्यादा लंबे हों तो रेवलॉन के। अभी हम सिंपल हेयर ड्रायर के साथ ब्लो ड्राई करेंगे, जिसके लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरी तरह करना है ऑफकोर्स, एक ये चीज़, मेरा कॉस्मेटिक सारा बिखरा पड़ा है, ठीक है, ये मेरी जान आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, सबके पास होगा, नहीं है तो ले लो, इतना महंगा नहीं होता, $10 का होता है। और हीट प्रोट्रैक्टर, ये भी किसी ब्रांड का ले लें, अभी हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है, अपने बालों में ये लगा लें, गीले होने चाहिए आपके बाल। बालों को पार्टीशन बालों की करना बहुत ज़रूरी है। मैं किस तरह करती हूँ, मैं ऊपर वाला जो ये वाला ये है इनको बंद कर देती हूँ, ज़्यादातर जो हैवी हैवी ऊपर ऊपर से होते हैं, ठीक है, और पहले नीचे वालों को करते हैं, ठीक है। क्लिप ले लें या कुछ भी ले लें जिससे आप बंद कर सकें। हाँ, मैं किस तरह करती हूँ बता देती हूँ। तो ये जो बाल है ना, पहले मैं यूं करके, ठीक है, फर्स्ट पर्ल वाली ये ऊपर बाहर जाएगी, ठीक है, ये, और यूं रख करके तो इसको चलाएं फुल पे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है, ना के इधर से ऊपर से ही ताकि बाहर भी जाए। घुमाते जाए, ये घूमो, एक ही जगह पे खड़ी हूँ, बस ब्रश घुमा रही हूँ। देखे ये वाले कैसे हो गए, सी, नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ नहीं, कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, है कोई गिद्दड़ सिंगी? दूसरा पकड़े, ये पकड़ा हमने, ऊपर से ले जाए,
बालों की कटिंग कैसे हुई हुई है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ये लंबे वाली कट है मेरा, ठीक है, लेयर्स बाद में आएंगे जो ऊपर। कहते हैं जो मुश्किल काम है ना वो काम चोरों से सीखा करो, वो शॉर्टकट होता है। सबसे बड़ा जो मुझे सवाल आता है ना, आप इतनी ड्रामा क्यों है? मतलब यार दुनिया में हर किस्म का बंदा पाया जाता है, एक्सेप्ट कर लो। आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत रियल हो, या आपके लिए इट्स गुड फॉर यू, बी योर सेल्फ। आई एम लाइक दैट। अगर मैं खामोश हो जाऊँ ना, तुम लोग मानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं एक अलमास है, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ बचपन से। हर बंदा डिफरेंट होता है, उसकी ब्रॉटअप डिफरेंट होती है, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है कोई। और मैं बताऊँ, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं जो बात बात कर लेते हैं ईजिली, वो किसी का नुकसान नहीं करते। बेहतर कि अपने आप को बदलें, हंसे खेलें कूदें, उससे आपकी जिंदगी भी ठीक रहेगी, लोगों की जिंदगियों की से भी, आप जो दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करते नहीं है, खुश नहीं रहते, बस दूसरों का बस सोचते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। मुझे बाल थोड़े गीले करने पड़ेंगे, ऊपर वाले मेरे ड्राई हो गए। आउटर, ऑलवेज आउटर, आउटवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको बंद, आपके वो हुए हैं तो नहीं, अगर गीले हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे बीचों में बालों में डाई लगा हुआ है, क्योंकि डाई के बाद सिर्फ कंडीशनर लगाते हैं, सो ये दिस इज द वे। इतने बेबी शेबी नहीं है, ठीक है, तो
इस चीज का ख्याल करें, सबके अपने होता है अपना हेयर स्टाइल, मतलब हेयर टेक्सचर, सो उस लिहाज से आप लोग अपना अपना करेंगे। इसको भी कर दे सारे को मिक्स करके। नॉर्मली मैं बाल सेट करते वक्त बीच में रखती हूँ और जो मैंने करना होता है तो दिस इज माय नॉर्मल, तो आपको नजर आ रहा होगा। सो ये जो है ना दिस थिंग, ये आप लोग मेरे वीडियोस में देखते हैं दिस थिंग, ठीक है। जितने आपके बालों में लेयर्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वो नजर आएंगी, ज्यादा जितनी लेयर्स आप बालों में डलवाएंगे और उतने ज्यादा आपको खूबसूरत लगेगा। ये चेक करें, एक्चुअली मैं वीडियो बनाती रही, मुझे पता ही नहीं वो बंद हो गई क्योंकि पिछली वीडियो सारी पड़ी हुई थी, स्पेस की कमी थी। होपफुली आई एम लुकिंग इन द कैमरा, सो दिस इज द हेयर डिजाइन यू गाइज वर लुकिंग। आप लोग ब्लो ड्राई कैसे करती हैं, वॉल्यूम चेक करें क्योंकि वो सेंटर में आपने किया होता है ना तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी आ जाती है। यू नो के एज के साथ साथ हमारे बालों की पीछे से ये लग रहे हैं, ठीक है। आई होप तो जितनी ज्यादा आपकी लेयर्स होंगी, मेरी तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, पता नहीं नजर आ भी रही है काले बालों में कि नहीं, काली शर्ट में कि नहीं आ रही, बट दिस इज सिंपल, ये आता है जो आपको नजर आता है ना, ये आई होप आप लोगों को अच्छा लगी होगी मेरी वीडियो। अगर आप इसके बारे में बाद में हेयर स्प्रे लगाना चाहें तो लगा लें, मुझे खवातीन लगाती, मैं तो कुछ नहीं लगाती क्योंकि आई पर्सनली मतलब इतनी कोई मेरी इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग या मैंने कोई केन्स के वो क्या फंक्शन या कोई आईफा अवार्ड लेने तो जाना नहीं होता, अपने जैसे लोगों के साथ मिलना होता है तो उनको भी पता है कि मैं आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन, सो बस तो हेयर स्टाइल बस ऐसे अच्छा लगता है जैसे ठीक होता जाता है बैठता जाता है टाइम के साथ वो, ठीक है। ये देखे वो फुली क्लियर आ रही है लेयर्स आपको, ये चेक करें, ठीक है। दीज आर द लेयर्स यू गाइस वर आस्किंग फॉर, ये आ जाती हैं, वॉल्यूम रहती है आपके बालों में। मैं कुछ नहीं लगाती ज्यादातर और मैं छोड़ देती हूँ बालों को ऐसे 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 ऐसे, फिर लॉलीवुड की हीरोइन बन जाए, ऐसे ऐसे करती रहे तो मेरे ख्याल में हो जाएंगे। अब कहेंगे ये तो पागल हो गई है, ये तो पागल हो गई है यार, अब पता नहीं कैसे मैं हो जाऊं, मैं ऐसे ही हूं मेरी जान, बट यू विल लुक क्यूट सी। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड और करके बताइएगा आप लोग भी घर पे, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा पर मुझे स्टिल क्वेश्चन आए, दैट्स व्हाई मैं जवाब दे रही हूँ, वरना आई नो कि आप सबको मेरे से ज्यादा चीजें आती हैं। तो चलें अपने काम करें करके, बाय बाय, टेक केयर।